एमपी फिर भी बहुत अच्छा है ना। हाँ। पूरे रास्ते आए हम, बहुत ज्यादा अच्छा था जो इसका लैंडस्केप है और जो एनवायरनमेंट वगैरह है ना, बहुत अच्छा है, काफी इको फ्रेंडली एरिया है। और मतलब मेरा परसेप्शन बहुत ही अलग था एमपी को लेके, ऐसा नहीं था, मुझे नहीं पता था कि इंडिया का ये पार्ट इतना ज्यादा अच्छा है। वो काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब वन ऑफ अ एक्सपीरियंस है ये, बहुत ही कमाल का। सो अभी हम लोग सो के उठे हैं तो अभी 7 बज रहे हैं। अभी हमें यहाँ से नहा धो के ना और नाश्ता करके निकलना है उज्जैन के लिए। सो आज तो हम घूमेंगे, सिर्फ सब कुछ देखेंगे, मंदिर वगैरह, और के बाद हम वापस जाएंगे। सो चलो आगे होता क्या है वो आपको आगे पता ही चलेगा ब्लॉग में। सो अभी तो हम लोग उठे हैं, फ्रेश अप बस हुए हैं, जाओ फ्रेश होने और अपनी तबीयत खराब की। हाँ, जुकाम हो गया, मेरे को लग ही रहा था कि जुकाम होगा क्योंकि पानी चेंज हो रहा था और वही हो रहा है अब, हालत आगे खराब होती जाएगी। हाँ, व्यू दिखाती हूँ। लोकिया बहुत ज्यादा ही शांति है, पता है यहाँ इतनी ज्यादा गाड़ी वगैरह कुछ नहीं चलती, हम पूरी रोड पे देखते हुए आए हैं, यहाँ इतना कुछ चलता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अभी नीचे जाऊँगी ना, नीचे जाके प्रॉपर दिखाऊँ। अभी हम आए थे नीचे और हमें ये दिखी थी भैंस, भैंस नहीं से ना, पड़िया बोलते हैं, बच्चा है, पड्डा, पड्डा है या फिर पड़िया है, रुको मैं देख के बता दूँ, पड़िया है, पड़िया है। ये क्या मस्त लग रही है, चलो खाना खिला दिया अभी से हमने, अब हम चलते हैं नहाने धोने, क्योंकि पहले से लेट हो गए, पापा 1 घंटे पहले से कहने लग रहे हैं नहा लो, धो लो, नहा लो, धो लो। सीधे गोली चले वो कह रहे होंगे कहाँ अटक गए, डाली बनाने के लिए बैठे थे, चल लो। मैं ना ये धोके आती हूँ अभी, अगर लेके जाऊँ मैं रख के आ जाऊंगी सब कुछ, है ना। पहली बार थोड़े से ठीक से लग रहे हो, पहली बार? हाँ पहली बार, थोड़े ठीक लग रहे हो, तुम भी लगा करो कभी कभी। मैं डेली लगती हूँ, समझ में आ गई। बताओ कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है, कौन बढ़िया लग रहा है। और अभी मम्मी आएंगी और मम्मी को देखना, कोमल नहीं, आज सही लग रहे हैं, यहाँ का पानी थोड़ा सही सूट किया है, कलर ठीक लग रहा है, ऑक्सीजन बहुत है ज्यादा, तभी 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 सही है। चलो जल्दी तैयार हो। हाँ मम्मी चश्मा लगा के आ रही हैं, मम्मी आओ फ्रेम में, आओ आओ जल्दी आओ, मम्मी की सुंदरता दिखाओ, क्योंकि तो ये बोल रही है सुंदर नहीं है, बुढ़ापा बोल रही है, इसलिए एक तो तारीफ की नहीं, बुढ़ाऊ लग रही हो मम्मी, देखो लग तो रही हो, अब तो कुछ भी कर लिपस्टिक लगाई है बस, मैंने लगाऊं लिपस्टिक, लगाओ 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 लगाओ। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमें निकलना है उज्जैन के लिए, अभी करीब 3-4 घंटे का और रास्ता है। तो चलो उज्जैन पहुँच के हम मंदिर जाएंगे, तो वो सब मैं शूट करूँगी आगे का, वो ज़रूर देखना। तो अभी चलो फिलहाल हम निकलते हैं। कल तक मौसम बहुत अच्छा था, आज बारिश हो रही है बहुत तेज, और अभी हम फिलहाल आगरा वाले रोड पे हैं, आगरा वाला ही रोड है, हाईवे वाला ही है ये, और अभी हम जा रहे हैं ढाबा, यहाँ रुकने या लंच करेंगे, लग्जरी ढाबा। चलिए ज्यादा ही करा रहे हो ना, स्मार्ट लग रहा हूँ, कुछ भी करा लो। ज्यादा ही लग रहे हो, कुछ ज्यादा ही। अच्छी क्यों नहीं आती, कल दाढ़ी वैसी थी और बाल भी ऑयली से हो गए थे, हाँ ऑयली स्किन हो गई थी। हाँ नहीं नहीं, नहा दो के एकदम मस्त, नहीं अच्छे आ रहे हैं फोटो, पूरी हो गई अच्छे से, रिलैक्स हो गए, वेदर भी ठीक है, वेदर सबसे बात बहुत मस्त लग रहा है, एकदम बारिश, हाँ ऐसा लग रहा है भगवान जी चाहते नहीं है दर्शन करने जाए हम। जैसे पहुंचे, नहीं तो जैसे पहुंचे यार यहाँ उज्जैन में, वैसे ही बादल ही बादल इतनी।
देखते होंगे तो हंसते होंगे मम्मी को देख के सब। जब भी तो व्यू ज्यादा आते हैं। अरे हमसे मिलोगी तो जान ही खुश रहोगी। और कुछ ना, और कुछ हो तो वो भी बोलो जल्दी से। हम क्या बोले, मैं ब्लॉग में डालूंगी, तूने मुझे आज मेरा गाल खींच खींच के मुझे मारा। बहू ने सास गाड़ी। सब देखेंगे, सब ये कहेंगे सही में गाड़ी कहाँ ऐसे बोल रही हो। सब ऐसे ही करेंगे फिर। बहू कैसी निकम्मी निकली। कितना समझाया पढ़ाया था। समझ जाओ तो ठीक नहीं है। सेवा तो घर पति युग ना करी आज तक। जिस जिसको अपना हाजमा सही करना, मम्मी की तरह अपनी बहुओं की बुराई करे। मम्मी का नंबर मैं ना नीचे डाल दूंगी, उनसे कह लो बहू की कैसे बुराई करनी है, सब डिटेल में समझा देंगी। देखना अपनी छोरी को ब्याह करके नहीं, अपने मेहमान गायत्री। हाँ ना शिक्षा के लेनो देनो, ना गाड़ी के लेनो देनो, और क्या, ना बुद्धि के लेनो देनो। ज्ञान माँ बाप ने रख दो नाम गायत्री। माँ बाप ने यही नाम मालूम कि नाम रखे का कम से कम फायदा भाई दावत तो रखते। पहली इंसान देखी जो अपने मोहते अपनी खिल्ली उड़ा दी। लोग समझते हम प्रिंसिपल है, टीचर नहीं। टीचर नहीं प्रिंसिपल, बाय प्रोफेशन प्रिंसिपल। और जान लेना है हमारा नाम का है, नाम का अर्थ क्या है। नहीं नाम का अर्थ तो ठीक है, नाम का अर्थ, लेकिन जो अर्थ है उसका पर्सनैलिटी के साथ लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। गलत रखा मम्मी तो नहीं, ऊपर जाएगी अपनी मम्मी पापा से पूछी हूँ जब ऊपर जा में खाए को रखो ना। आगरा वालों की बात है पूरी, आगरा वाले अपने बच्चों के नाम ही नहीं रख पा रहे। जो करिए मतलब दामाद है ना, वो समझ पा रहे जिसके साथ शादी करिए पहले लड़की की, अब वही इतना पहचान पा रहे। तो हम आ चुके थे यहाँ आश्रम में और हम यहीं पर रुके हैं क्योंकि यहाँ स्टे करने की जगह थी। और मैं इधर की लोकेशन दिखाती हूँ, यहाँ ना गाय वगैरह सब कुछ है, मतलब काफ़ी अच्छा प्यारा यहाँ का भी लोकेशन है, मंदिर भी है इसमें और गाय वगैरह सब कुछ है, तो दिखाती हूँ मैं आपको। चलो देखो यहाँ ना गुरुकुल है, यहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को, तो ये सब है एजुकेशन वगैरह सब कुछ देते हैं। हाँ हाँ, ये वैसे इतना हमें पक्का नहीं पता, अलग अलग वैरायटी की है वैसे गाय, अलग अलग हिसाब से जो उधर जो कॉर्नर वाली है जो खोपड़ी को जा रही है अपनी, हाँ खोपड़ी हाँ वो गीर का है। क्या बोलते हैं एक और थी वो जो उसकी जो खाना खा रही है वो भी शायद गीर का। मम्मी होती ना मम्मी पहचान लेती कौन सी गाय कौन सी वैरायटी की है, ये वाली उनको पता है, ये व्हाइट वाली थोड़ी देसी लग रही है, ब्राउन वाली गीर काउस लग रही है। अरे ये वाली जो गाय है ना ये हमारे यहाँ पे थी, जो बीच में है ना दूसरे नंबर पे ब्राउन वाली, हाँ ऐसी है। भूसा खा रही है जी, सिंपल अभी तो भूस पड़ा हुआ है, भूसा है जी, अभी बांधेंगे ना, उधर है उनकी लड़ामनी जो है, यहाँ पे भी है अंदर भी है पूरा बना हुआ है, मतलब कि जो भी है लोकेशन। चलो बाहर घूमने चलते हैं। सो अभी हम निकल रहे हैं महाकाल के दर्शन करने और आपको भी दिखाऊंगी महाकाल, तो आप भी वहीं देख लेना। वैसे कौन कौन महाकाल आया है ये ज़रूर बताना। तो चलो चलते हैं, हम अभी ऑटो पकड़ेंगे तब जाएंगे, अपनी गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट ऑटो लेके तब जाएंगे। चलो फटाफट से चलते हैं। हो रहा
चलो ऐसे ही है यहाँ से। तो हम आ चुके हैं महाकाल पर, यहाँ लाइव दर्शन दिखाती हूँ मैं आपको पहले। ये देखो हमें यहाँ है ना फोन रखना पड़ेगा, क्योंकि अंदर फोन ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कोई भी शूटिंग अलाउड नहीं है। तो इस वजह से हम फोन यहीं जमा करके जा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है। तो चलो बाद में दिखाऊंगी अब क्या होता है आगे। बस मैं ये बोला गया कि आप लोग बहुत हार्डकोर ब्लॉगर हो और आपकी ऑडियंस वैसे ही नहीं है, कोई देखने का है नहीं, ऑडियंस आपकी निश है वैसे ही आपकी तरह, तो आप लोग फोन ले जाओ, जाओ शूट कर लेना अंदर। इस वजह से अब हम फोन लेके जा रहे हैं। किधर उधर है ना, किसी से पूछा नहीं है मम्मी ने? रुको मैं भी। ये महादेव है लेकिन उन्होंने वो ले रखी है, अच्छा वो है, और ये पार्वती मैया है। हाँ पापा मम्मी हो रहे, हाँ वो कर लो। चलो